ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मिस मोहिनी के बेल पेपर्स हैं। सामी मैडम, मोहिनी मैडम को बाहर ले आओ। अब जरा मेरे साथ आइए, खुशी पूरी करनी है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। पर मैंने तो भरोसा किया था ना, और आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुझे इस मरती हुई हालत में छोड़कर वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार जो टूट जाए लाख कोशिश करो वो पहले की तरह नहीं छूटता। लेकिन इतना तो भरोसा कर सकते हो ना मुझ पर कि मैं गलती कर सकती हूँ पर तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दे सकती। सच में सॉरी, हम सब इस गुंडे के बातों में आके धोखा खा गए। धोखा किसने दिया है और किसने खाया है ये तो वक्त ही बताएगा कृष्णा दीदी। एनीवे, आपने मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रुको, देखिए मैं आपको थैंक यू बोल चुकी हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास आपका एहसान चुकाने के लिए। लेकिन इस वक्त तुम कहाँ जाओगे? जहाँ किस्मत ले जाएगी। देखो मुझसे गलती हुई है और इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। तुम हमारे साथ वापस घर चलो। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं समझ गई, अब जब तक मौका देते रहेंगे लोग आपको धोखा देते रहेंगे। और आपको क्यों ले जाना है मुझे अपने घर? मैं क्या लगती हूँ आपकी? देखिए आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी मंजिल जानती हूँ, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी खुद ही ढूंढ लूंगी। देखो दोबारा से कभी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कोई तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। तुमने मुझे दीदी कहा है ना? दीदी की बात नहीं मानोगी? तुम्हें मेरी कसम। बचा लो मुझे दीदी। काफी देर हो गई है, आजब और कृष्णा वॉक पे गए थे, अभी तक आए नहीं। ईशा क्या कर रही हो? आइसक्रीम खा रही हो? अभी तबीयत खराब हुई है तुम्हारी, फिर से खराब करनी है? अंशु, ईशा अरे लो आ गए दोनों। लड़की यहाँ क्या कर रही है? आर्यमन, तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए? तुम जानते हो ना ये लड़की क्रिमिनल भी हो सकती है। नहीं अंकल, मोहिनी निर्दोष है। दरअसल उस गुंडे ने इसे फंसाने की कोशिश की थी, इसलिए पुलिस स्टेशन से सीधा यहाँ ले आए हम इसे। मोहिनी तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है इसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इसे दोबारा हमारे घर में लाने की क्या जरूरत थी? किसी होटल में इसका अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? और हेल्प ही करनी थी तो हमारे किसी और प्रॉपर्टी में इसके रहने का इंतजाम कर देते। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है,
की हर किसी को हम बुला के यहाँ रख ले। मैं मोहिनी के रहने का इंतजाम कहीं और करवा लेती, अगर कोई होटल या गेस्ट हाउस से वहाँ बिना पासपोर्ट के रहने देते तो। और वैसे भी हम सब ने देखा कि ये बहुत परेशान है, काफी लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने भी उस पर भरोसा नहीं किया तो उसे जेल में रहना पड़ा। तो इसके बदले में हम तो इतना कर सकते हैं ना। और वैसे भी शायद हम मोहिनी को ही अपनी फर्स्ट सिंगिंग स्टार की तरह लॉन्च करेंगे, तो इसलिए उसे तो स्टूडियो के आसपास ही रहना पड़ेगा, और हमारी सारी प्रॉपर्टीज शहर से बाहर है, और मैं नहीं चाहती कि इस हालात में वो अकेले रहे। लेकिन तुम लोगों को ये किसने बताया कि वो गुंडे सच बोल रहे हैं? ये सही सवाल पूछा अंकल आपने, पूछे अपनी लाडली बहू से। उस गुंडे के पीछे भागती हुई चली गई झांसी की रानी की तरह। एक बार भी सोचा तुमने कितना खतरनाक हो सकता है वो इंसान? नहीं ना। सॉरी, पर मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि अगर मैं उस बदमाश को वहां से जाने दूंगी तो मोहिनी को कैसे बचा पाऊं। मोहिनी को बचाने के चक्कर में तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दी कृष्णा। समझ आ रही है बात? अरे मैं वहीं था, मुझे बुला लेती, एक आवाज लगा देती मुझे, मैं आ जाता तुम्हारे पास। एक बार भी सोचा कि अगर वक्त पर वहां नहीं आता तो क्या होता? जाने दो यार। डबल कहाँ है? अरे यार, ऐसे तो बाहर जा नहीं सकता। कृष्णा, कृष्णा मुझे एक टॉवल चाहिए, जल्दी यहाँ प्लीज। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आप कृष्णा दीदी को आवाज लगा रहे थे, कृष्णा दीदी यहाँ नहीं थी तो मैंने ही आपको टॉवल दे दिया। हाँ, मुझे पता ही था कि तुम हो, सॉरी फॉर दैट, लेकिन प्लीज ये दोबारा कभी मत करना। तुम यहाँ क्यों नहीं थी, और बाथरूम के अंदर टॉवल क्यों नहीं है? इस घर में कभी कोई चीज अपनी जगह पे होगी कि नहीं होगी? आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालने की पड़ी है, बाकी किसी चीज की पड़ी नहीं तुम्हें, करेक्ट? इस बारे में तो हमने कल रात को ही बात कर ली थी ना, फिर से उस बात पे गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि मैं चलती हूँ। हो क्या गया है आपको, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा, प्रॉब्लम क्या है? इतनी सी बात आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है कृष्णा, और तुम्हें बात समझ नहीं आती, इस बात का प्रॉब्लम है मुझे। नहीं, मुझे नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा, प्रॉब्लम वो है। मुझे सब समझ में आता है, आजकल तुम्हें मुझसे ज्यादा दूसरों की फिक्र है, ये प्रॉब्लम है। अरे सारे तो घर वाले हैं, तो इस पे दूसरा कौन हुआ? मैं होंगे ना दूसरा। कृष्णा, तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, तो मुझे भी नहीं करनी बात। तो मत करो बात, कौन कह रहा है बात करने को? ये लो, हम तो फैमिली पिकनिक के बारे में बात करने आए थे, पर यहाँ तो एक्शन मूवी चल रही है। आर्या ब्रो और कृष्णा आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं लड़ रहा, वो भी छोटी छोटी बातों पर। पहले तो कभी इतना नहीं लड़ते थे दोनों। तो हमें कुछ करना नहीं चाहिए इन लोगों के लिए? गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? इस आइडिया से ना दोनों का झगड़ा भी सॉल्व हो जाएगा, और हो सकता है कि मॉम को उनका सेकंड ग्रैंड चाइल्ड भी जल्द मिल जाए। ऐसा क्या ईशा, हम इन दोनों के लिए एक स्पेशल नाइट प्लान करते हैं। गुड प्लान, ताकि वापस दोनों एंग्री बर्ड्स से लव बर्ड्स बन जाए। अब सुनो क्या करना है, हम ना मोहिनी को यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि आर्यमन और कृष्णा की स्पेशल नाइट को आग लगाने के लिए चिंगारी तो मोहिनी को ही बनना पड़ेगा।